आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 209 रनों से हार का सामना करना पड़ा। लंदन के ओवल मैदान पर खेले गए मुकाबले के पांचवें दिन भारत को जीत के लिए कुल 280 रनों की जरूरत थी, लेकिन उसके बाकी के 7 विकेट लंच से पहले ही गिर गए। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का WTC खिताब जीतने का सपना भी टूट गया। साल 2021 में साउथ पटन में खेले गए WTC के पहले सीजन के फाइनल मुकाबले में भारत को न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हरा दिया था। उस मैच में कप्तानी का जिम्मा रोहित शर्मा के हाथों में था। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार WTC का टाइटल जीता है। WTC में शामिल टीमों के लिए ICC की ओर से प्राइज मनी का भी ऐलान कर दिया गया था। ICC ने 9 टीमों के बीच 31 करोड़ से अधिक की इनाम राशि बांटी है। विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को $1.6 मिलियन यानी कि लगभग 13.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं उपविजेता रही टीम इंडिया को इनामी राशि के तौर पर $800,000 यानी कि 6.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 2023 टेबल में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए 3.72 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं चौथे स्थान पर रही इंग्लैंड को $35,000 यानी कि 2.90 करोड़ रुपए के आसपास दिया जाएगा, जबकि पांचवें नंबर पर रही श्रीलंकाई टीम को लगभग 1.65 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा WTC में नंबर 6 पर रही न्यूजीलैंड, नंबर 7 पर रही पाकिस्तान, नंबर 8 पर रही वेस्टइंडीज और नंबर 9 पर रही बांग्लादेश को लगभग 82 लाख रुपए प्राप्त होंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलना।